हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोनों करने वाले हैं 100 रुपीज़ फूड चैलेंज। इस चैलेंज में करना ये है कि हम दोनों को 100 रुपीज़ में 10 डिशेस खानी है, और वो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रीट फूड ही होना चाहिए। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये है कि हम दोनों में से कोई एक 12 खाएगा 10 की जगह, और उतने ही पैसे में, उतने ही अमाउंट में, उतने ही टाइम में। तो यहाँ पे हम सो लकी वन, लेट्स सी हु गेट्स। आई हैव टू ईट 12। सी दिस, आई हैव टू ईट 12। सो माय बैड लक, आई एम गोना ईट 12 डिशेस एंड 100 रुपीज, एंड शी विल बी ईटिंग 10 डिशेस एंड 100 रुपीज। सो विल सी यू। तो अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा पहला डिश क्या होता है, वहाँ जाके मिलते हैं। हमारी पहली डिश है, तो ये क्या है? गोलगप्पा। तो अब तुम ये कितने का खाने वाली हो? 10। तो हम कितने का खा रही हो? 10 का। हम लोग दो जगह से वापस खाली हाथ आ चुके हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला, वहाँ पे बहुत महंगी थी। 20 रुपये भैया, 10 का काम चला लीजिए, दस में थोड़ा और कम दे दीजिएगा। ज्वाइन कर दी थी पे अंकल ने दया खा लिया, उसको 15 का चीज 10 में दे दिया, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे को भी चाहिए भैया। हाँ ये देखो, तो मेरे को ये 10 रुपए में मिल चुका है, पर इसको ये भैया ने माफ़ नहीं किया मुझे, मुझे सिर्फ 15 का हाफ ले। तो आप मेरे को 10 में 3 पीस दे दो। ठीक है, ये उमरा के पास आ गया मोमो, इसको भी 10 का 3 पीसेस मिला है। तो ये उमरा कैसा है ये मोमो, अपना रिएक्शन बताओ। इसे बहुत गर्म लग रहा है, तो कैसा लगा मोमो? ये हमें 5 रुपीज का मिला है, ये है ट्रीट का आइसक्रीम। और इतने यहाँ चले, पैसे है बेटा, यहाँ चलेंगे कैफे में, बरिस्ता जाना है इनको। दो आ गई है। है, तो आप मेरे को एक दे सकते हैं? बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। Yes. आप मेरे को एक 10 का बना दीजिए ना, एक पीस। कितना खा रही हो? देते एक, ओनली 1, क्योंकि पैसा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, 20 का था, तो ये कंजूस एक ही खा रही है। हाँ। ये है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। यहाँ पे अभी आई है अपने 6th डिश और या ड्रिंक के लिए, जो है सोडा। जो है सोडा नहीं, वो गन्ने का जूस है। यहाँ पे गन्ने का जूस है, इसलिए मैं नहीं पी रही हूँ। आगे अगर मुझे कोई और फ्लेवर में मिलेगा तो बताइए। क्या किया दीदी, जूस पी ली और मस्ती से जा रही थी कि भैया बोलते पैसा लीजिए। मेरे को कोई भी सोडा या कुछ पसंद नहीं है, तो मतलब इतना चल चुका है ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अदिति, ये तुम्हारे लिए रखा गया है, हटो यहाँ से। ये तो ये है हम लोग का अगला डिश करना है। मेरा 5 रुपये में ये मिल रहा है, तो मेरा 5 डिशेज हो गया है 45 में, और इसका 60 रुपये हो गया है, और 7 डिश हो गया है। तो हमारी अगली डिश है ये बर्गर, जो हम लोग को 10 रुपये की मिली है। ग्रीन बर्गर ही नहीं चाहिए, ये सस्ता वाला लोग आज काम है। दीदी बर्गर वाले को भी पैसा देना भूल गई। बात ये है कि मेरे पास 3 डिश के लिए 35 रुपीज बच रहा है, और इसके पास 4 डिश के लिए सिर्फ 30 रुपीज बच रहा है। ओके, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या पॉपकॉर्न। ओके, तो हम लोग का अगला डिश है ये पॉपकॉर्न। हम लोग को 10 रुपये का मिला है चाय। यस, तो चाय लवर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच 10 की चाय 5 में देने के लिए। अदिति को अभी 2 डिशेज और खानी है 15 रुपये में, और मेरे को अभी एक और खानी है, मेरे पास 20 रुपये। ये गाइस, ये देख लीजिए मोमो बर्गर सूप। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से पी सकते हैं। मेरे को 5 रुपीज में दिए हैं,
हम उनसे रिक्वेस्ट करके लिए क्योंकि मेरे पास पैसा कितना थोड़ा है अदिति, ये बस बहुत थोड़ा सा मिला है मेरे को 5 रुपीज़ में, क्योंकि मेरे को अभी एक और डिश खानी है, 10 रुपीज़ मेरे पास बस बच रहा है, तो आई हैव टू एडजस्ट इन दैट। तो हमारे चैलेंज के अंत में हम इससे खत्म कर रहे हैं और हम दोनों ही सक्सेसफुल रहे। सो वी आर लेफ्ट विद 0 रुपीज़। फाइनली घर आ चुके हैं और हमने चैलेंज कंप्लीट हुआ, जो हम 12 डिशेस खा चुके हैं 100 रुपीज में। वो वेरी डिफिकल्ट था वो, पर स्टिल हमने कैसे भी कुछ कुछ कहीं कहीं करके मैनेज किया, किसी किसी से बार्गेन बहुत ज्यादा किए और जिससे बार्गेन किया उसको पैसा भी नहीं दे रही थी। ये बिना पैसे नहीं होता है, लेकिन स्टिल एक और बात, उमरा एक चीटिंग की है, वो ये चीटिंग है क्योंकि वो माजा स्ट्रीट फूड नहीं होता और ये फिर भी माजा पी बोली कि नहीं वो हम सोडा के जगह सोडा नहीं पसंद है, सोडा पसंद नहीं, और सोडा ठीक है लेकिन ये गन्ने का जूस पी सकती थी, पर फिर भी ये नहीं मेरे को वो नहीं पसंद है। मैंने पिया है, मैंने बहुत अच्छे से अपना 12 स्ट्रीट फूड चैलेंजेस कंप्लीट किया है। मेरा 10 भी हो गया और मेरा 90 रुपीज में ही हो गया। 90 रुपीज में 10 रुपए बच गया ना। ओ माय गॉड, मेरे तो एक पैसे की भी नहीं बची। कोई बात नहीं गाइस, तो ठीक है, आपको अगर हमारा चैलेंज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ।